ये क्या बात हुई कि दो बच्चे होना चाहिए, दो क्यों होना चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह जितना देंगे उतना लिया जाएगा। चार बीवी रखना भी सही है? हाँ बिल्कुल जायज़ है, इस्लाम में हमारे जायज़ हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में चार बीवी जायज़ है। बाकी अरब में सात है, अरब जो वाले आदमी है उनमें सात है, वो शेख है। लेकिन अपने पार्टनर के साथ धोखा करना नहीं हुआ? ऐसा होता है, ऐसा है। सुनो, इस्लाम में कोई किसी को धोखा देता उसे हमारे में बताएगा जहन्नुम। किसी का दिल तोड़ना तो उसे शरीयत मना करती है। यदि किसी का तुम दिल जोड़ दो उसमें आपको बहुत बड़ी वो है। कितने बच्चे होने चाहिए फिर हमारे? अल्लाह की देन है, जितने भी दे 10 हो 12 हो 25 हो जितने भी हो। हमारे यहाँ बच्चे बंद नहीं होते। योगी जी कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है तभी तो काम नहीं। किसी से क्या मतलब, हमें तो अपने से मतलब है। हमें योगी से क्या, हमें योगी धरा क्या खाने? अच्छा दो ही बच्चे होने चाहिए। क्यों? अभी तो आप कह रहे हैं जन तेरा क्या, हम दो हमारे दो वाले कौन सी स्कीम है इसमें से? सरकार तो सारा हमारे से सब कुछ छीन रही है, दो वाला कहाँ से हिसाब किताब आ गया यहाँ पे? जो जैसे हमारे भाई ने इस वाले, क्या नाम है भाई आपका? भाई शोएब मलिक। भाई बढ़िया जेनमैन बात कह रहे हैं है, तो उनकी बात कहाँ से कहाँ तक गलत है? हम 5 करें 10 करें, कोई दिक्कत नहीं यार, गोली शूट हो पोली शूट। अच्छा आप बताइए 10 बच्चे होंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी, महंगाई होगी? हम पालना है, सरकार पाल लिए क्या? हम अपने ऊपर पाल रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं, हम खुद पाल लें अपने आपको, सरकार पाल रही है तो बताओ। आप मुझे बताइए 10,000 इनकम है, 10 बच्चे हो जाएंगे तो कैसे खेल? किसी की 10,000 इनकम नहीं है, यहाँ बतेरा घुमा रहा है और बतेरा लुटा रहा है। अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले की नियाज है, सब बात है। यहाँ बतेरे यहाँ पे जो भी खड़ा ना, ये मेरा भाई खड़ा है, इसकी डेली की 2-3 हजार रुपए की इनकम है, रोको झपट। आप बताइए। मैं ऑटो चलाता हूँ अपनी। कितने बच्चे होने चाहिए? बच्चे तो जितने होने चाहिए होने चाहिए, लिमिट कोई नहीं है अपने, इतने वो अपने अंदर बच्चों पे ये है। देखो जी कितने भी बनाओ अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए पालने की, शक्ति करने की। जरूरी नहीं है कि बच्चे एक या दो, संभव ये है क्या नाम है कहने का, अपने परिवार को बड़ा सा बढ़ाओ, दो से मतलब नहीं है। बच्चे भी तो, अरे जब दिक्कत होगी तो बच्चे भी तो 10 होंगे, तो जब भी तो खाने वाले भी तो 10 होंगे ना। जब हमने 10 करे हैं तो उस हिसाब से तो करे हैं ना, कि हमें जब दिख रहा है कि हमारे पास बच्चे इतने हैं और खाने के हमारे पास कमी है, तो हम बच्चे भी तो कमी करेंगे। जब हमारे पास खाने का दुनिया का, तो हम बच्चे भी दुनिया का कर रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं अल्लाह की देन है जितने भी हैं, सही है? तो अल्लाह अल्लाह की तो देन है, जब भी तो कह रहा है, तो खाना भी तो अल्लाह की देन है, हाथ पैर है तो अल्लाह की देन है, तो जितने भी हो बच्चे सही है, सही है। मीट डिपेंड नहीं करता, मैटर यह बनता है क्या दाल हो या कुछ भी हो, आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो और अपने परिवार की जितना आप देखभाल कर सकते हो, और जब शरीर में जान होगी तभी तो बच्चे बनेंगे। तो 8-10 बच्चे जो कहते हैं कि मुस्लिम के होते हैं, आप सहमत हैं इस बात? बिल्कुल सहमत है, जब 8-10 बच्चों को पालने की क्षमता हमारे अंदर है तो हमारे लिए सहमत है। हम 8-10 बच्चे जब हमारे होते हैं तो हम ये सोचते हैं इनमें इन्हें कैसे ठिकाना लगाना, कौन सा आदमी क्या करना, कौन सा क्या नहीं करता। अगर 8-10 खराब निकल जाए वो बच्चों पे डिपेंड नहीं करता, क्या पता लड़का हो रहा है, लड़की तो संभाल लेती है हर तरीके से, पहला हो जाए खराब या दूसरा हो जाए कोई पता नहीं है, या तीसरा हो जाए खराब, मतलब खराब का मतलब बिगड़ जाए, ना समझे अपने माँ बापों को। इसलिए हम मुसलमान जो हैं इसी तरीके से चलते रहेंगे और चलते हैं, और पहले भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो ऐसे चलते रहे हैं, इसलिए हम भी ऐसे चलते रहेंगे, क्यों, हम उन्हीं की दर पीढ़ी पीढ़ी हैं, ठीक है ना। कोई पता नहीं है किसी का कौन कमा के खिला रहा है कौन नहीं खिला रहा। दो बच्चे होंगे तो हो सकता है अच्छी परवरिश हो, क्यों? आपकी बात पे हम सहमत हैं कि हाँ दो बच्चे होंगे अच्छी परवरिश हो, आज की जनरेशन 10,000 4 पे लग रहा है, वहाँ 2 पे ही लगेगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।